जन आधार कल्याण समिति द्वारा आयोजित पर्यावरण महोत्सव के अंतर्गत रामनवमी और विजय दशमी के अवसर पर रविवार को रामनगर यमुना रोड पर बैकुंठ वाटिका परिसर में क्षेत्रीय नागरिकों सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वन विभाग के सहयोग से दुर्लभ प्रजातियों के सुगंधित और औषधीय वृक्ष रोपित किए और पूर्व में लगाए गए पौधों का भी ध्यान रखा। इस कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन फिरोजाबाद कल्पना राजौरिया, मातृशक्ति और बच्चों ने शनिदेव की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चंद्रनगर के पर्यावरण प्रमुख प्रवीण अग्रवाल ने पर्यावरण हित में रंग बिरंगी पॉलिथीन और प्लास्टिक की सॉफ्ट पैकिंग को एकत्रित कर खाली बोतलों में भरकर इको वृक्ष बनाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वन रक्षक फिरोजाबाद प्रताप कुमार परमार, रामबाबू कुशवा, सेवापद जन कल्याण समिति की सचिव सीमा गुप्ता, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता आलिंद अग्रवाल, दीपमाला, जन आधार कल्याण समिति के सचिव प्रवीण कुमार शर्मा सहित प्रचार सचिव कश्मीर सिंह सहित सौरभ अग्रवाल, गौरव वर्मा, सौरा सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साथ ही आज नवदुर्गा पूजन और विजयदशमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर काफ़ी सारी कन्याएं आप देख रहे होंगे, छोटे बच्चे हैं, उनको आमंत्रित किया और एक साथ मिलकर के हम लोगों ने यहाँ वृक्षारोपण किया है। साथ ही आज हम लोग यहाँ पर पर्यावरण बचाओ का संदेश दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, निरंतर कार्यक्रम चल ही रहे हैं यहाँ स्वर्गाश्रम में, उसी के अंतर्गत यहाँ आज इको ब्रिक्स बनाने का संदेश दिया जा रहा है बच्चों द्वारा, पॉलिथीन से इकट्ठी करके और उनको किस तरह से पर्यावरण को नुकसान करने से बचाया जाए, ये संदेश आज दिया जा रहा है यहाँ पर। क्या मतलब वृक्षारोपण को लेकर किस तरह का आयोजन किया गया और कहाँ किया जा रहा है? ये स्वर्गाश्रम है, यहाँ पर पूरे शहर के जो मृतक होते हैं उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। चूँकि अंतिम संस्कार के समय जो धुआं निकलता है उससे काफ़ी प्रदूषण फैलता है, इसको मद्देनज़र रखते हुए शहर के लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो, हमने यहाँ पर सैकड़ों वृक्ष लगा रखे हैं। उसके बावजूद भी काफ़ी वृक्षों की कमी थी, उसको शहर की प्रमुख एनजीओ जन आधार कल्याण समिति ने पिछले एक महीने से नियमित रूप से यहाँ पर सैकड़ों वृक्षों को लगाया गया है। उस एनजीओ ने समय समय पर जनप्रतिनिधि, शहर की सभी सामाजिक संस्थाएं, नगर निगम के अधिकारी से और जो डबरई में स्थित कार्यालय है उनके सभी अधिकारियों को समय समय पर बुलाकर उन लोगों से वृक्षारोपण कराया। हम एनजीओ जन आधार कल्याण समिति उसके सचिव प्रवीण शर्मा जी को धन्यवाद देते हैं। जन आधार कल्याण समिति के द्वारा यहाँ पर पॉलिथीन और पर्यावरण से संबंधित पौधारोपण, दो चीज़ों का यहाँ आयोजन था। प्रमुख रूप से पौधारोपण विभिन्न मातृशक्ति और अलग अलग एनजीओ के द्वारा यहाँ किया गया और उस संबंध में जो पॉलिथीन कलेक्शन का अभियान है यहाँ स्वर्गाश्रम फिरोजाबाद में, तो हम लोगों ने यहाँ पॉलिथीन अलग अलग जगह जो फैले हुए थे उनको इकट्ठा करके बॉटल में फिल किया इस तरीके से। एक्चुअली ये जो बॉटल है बेसिकली इको ब्रिक बन जाती है और ये पूरा कार्यक्रम पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से भी ये आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग लोगों को एनजीओस के माध्यम से ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग पॉलिथीन को डस्टबिन में ना फेंकें। अगर हम पॉलिथीन को डस्टबिन में फेंकेंगे तो वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर जाएगी और पृथ्वी में जाके पानी को ख़राब करेगी। इससे जितने भी कैंसर या लीवर कैंसर या प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं ये 99% पॉलिथीन के माइक्रो पार्टिकल्स हैं उनके माध्यम से हो रही है। तो हम लोग लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप इको ब्रिक बनाइए इस तरीके से। और इको ब्रिक बनाने से एक फ़ायदा और होगा कि लगभग एक लीटर का बॉटल अगर है सपोज़ कीजिए, तो वो लगभग 350 ग्राम पॉलिथीन उसमें कंज्यूम हो जाएगा और 100 स्क्वायर फीट का एरिया पॉल्यूटेड होने से बचेगा। तो इको ब्रिक बनाइए और पर्यावरण को संरक्षित कीजिए और मानव जाति को बचाइए, यही हमारा मुख्य रूप से संदेश है।